यह है खूंटी जिला, जो झारखंड राज्य का खूबसूरत जिला है। यह जिला अपनी खूबसूरत झीलों, नदियों व पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावा खूंटी जिला मुंडा जनजातियों की कला संस्कृति के लिए लोकप्रिय रहा है। खूंटी जिला पहले रांची जिले का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसके बाद 12 सितंबर सन 2007 को इस जिले को रांची जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया। खूंटी जिला छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। खूंटी जिले के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो खूंटी जिला झारखंड राज्य के दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ है। खूंटी के उत्तर में रांची जिला, दक्षिण में सिंहभूम जिला, पश्चिम में गुमला व सिमडेगा जिला, पूरब में सरायकेला जिला से घिरा हुआ है। खूंटी जिले का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इस जिले का इतिहास मुंडा शासकों के समय में यह क्षेत्र अस्तित्व में आया था। छोटा नागपुर के राजा मद्र मुंडा के पुत्र ने इस जिले का नामकरण किया था, जिसके बाद उनके सबसे बड़े बेटे ने रांची तथा छोटा नागपुर के दक्षिण भाग में एक छोटा सा नगर बसाया, जिसका नाम खुंटकट्टी रखा गया था। लेकिन यहाँ के निवासियों के लिए यह नाम बहुत कठिन था, इसलिए खुंटकट्टी का अपभ्रंश करके इसका नाम खूंटी रख दिया गया था। खूंटी जिला 2535 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। खूंटी जिले की कुल आबादी लगभग 6,46,000 है, जिसमें शामिल पुरुषों की संख्या 3,23,000 तथा महिलाओं की संख्या 3,22,000 है। वहीं खूंटी जिले के सेक्स रेशियो की बात करें तो जिले में 1,000 पुरुषों पर 997 महिलाएं हैं। खूंटी जिले की कुल आबादी में धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो 26.11% हिंदू, 2.11% मुस्लिम, 45.55% अन्य समुदाय के लोग जिले में रहते हैं। खूंटी जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ की मुख्य फसल लाख है, जो कि खूंटी जिला अपने लाख के उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत के कुल लाख के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है। शिक्षा के मामले में खूंटी जिला काफी आगे है। जिले की कुल लिटरेसी रेट 63.86% है। खूंटी जिले में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, नागपुरी और मुंडारी हैं। दोस्तों, खूंटी जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, जिससे यहाँ पर हर साल देश व राज्य भर से पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन से पर्यटन स्थल हैं जिनके बिना खूंटी जिले का भ्रमण अधूरा है। पंचघाग झरना, अंगराबारी शिव मंदिर, डियर पार्क, डोमबारी बुरु, रानी जलप्रपात आदि जैसे कई पर्यटन स्थल जिले में मौजूद हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से खूंटी जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग जैसे मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, वैसे तो खूंटी जिले में कोई रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं है। जिले का सबसे करीबी निकटतम रेलवे स्टेशन वह हटिया रेलवे स्टेशन है, जो कि रांची शहर में स्थित है, जिसकी दूरी खूंटी शहर से 40 किलोमीटर की है। सड़क मार्ग, खूंटी जिला सड़क मार्ग के द्वारा राज्य के छोटे बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से खूंटी जिले को पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग, वैसे तो खूंटी जिला में कोई हवाई अड्डा मौजूद नहीं है, परंतु खूंटी जिले का सबसे करीबी व निकटतम हवाई अड्डा वह रांची शहर में मौजूद है, जिसकी दूरी खूंटी जिले से लगभग 42 किलोमीटर की है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।